हाय गाइस, वेलकम बैक। आज भी हमेशा की तरह एक सेंटेंस के इंग्लिश मैं बनाऊंगी और एक सेंटेंस के इंग्लिश आप बनाओगे। बल्कि आज मैं देने वाली हूँ आपको दो सेंटेंसेस, जो कि मैं काफी बारी अब देने लगी हूँ आपको, सो दैट आपको ज्यादा स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस जल्दी जल्दी आ जाए। कल का सेंटेंस जिसकी इंग्लिश आपने बनानी थी वो सेंटेंस था, वह कितने बजे पहुंचेगा। उसकी इंग्लिश होगी व्हाट टाइम विल ही रीच, व्हाट टाइम विल ही रीच, व्हाट टाइम विल ही रीच, वो कितने बजे पहुंचेगा। ठीक है, तो मैं आपको बोलकर इसलिए बताती हूँ बिकॉज देखो मेनली आप यहाँ पर वो ये सीखने के लिए भी कि सेंटेंसेस को ठीक से कैसे लिखा जाता है, और ये भी है मेन चीज आपके लिए कि आप स्पोकन इंग्लिश मतलब बोलो कैसे इंग्लिश। तो इसीलिए मैं आपको बोल के भी बार 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 बताती हूँ, सो दैट जितना आप सुनोगे उतना ज्यादा आप अच्छे से कर पाओगे। उस सेंटेंस का आंसर जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिया उनके नाम है प्राची वर्मा एंड फरा इकबाल। तो चलिए आज के सेंटेंसेस देख लेते हैं। आज का सेंटेंस है मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ। ये आप कब आंसर देते हो, जब आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ पर हो, जब आपने घर वापस आना होता है या कहीं आपने जाना होता है, जहां आपने जाना है अगर उन्होंने आपको फोन करके पूछा कि कहाँ पर हो आप, तो आप मैं रास्ते में हूँ, है ना। तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। व्हेन विल यू रीच, आई एम ऑन द वे। ठीक है, कहाँ पर हो आप, वेयर आर यू, अगर कोई भी पूछता है, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। कब पहुंचोगे आप, मैं रास्ते में ही हूँ। ठीक है, आई एम ऑन द वे। तो जैसे एक और बता देती हूँ आपको, वे रास्ते में है, वे रास्ते में है। अगर सपोज घर में कोई आता है और भी गेस्ट ने आना होता है, आए नहीं अभी तक, वो पहुंचे नहीं, वो रास्ते में है, वो रास्ते में, हम बोलते हैं ना ऐसे, वो रास्ते में है, मतलब रास्ते में है का क्या मतलब होता है कि पहुंचने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं। तो उसकी इंग्लिश होगी दे आर ऑन द वे, दे आर ऑन द वे, दे आर ऑन द वे। तो अगर आपने बोले आई एम ऑन द वे, तो आई एम की शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे आई एम। ठीक है, I am on the way, I am on the way, और they are on the way, वे रास्ते में है मतलब पहुंचने ही वाले, they are on the way, तो they are की शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे they are किस लिए, फ्लो के लिए, फ्लो आएगा उससे, है ना। आपने जिस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी वो सेंटेंस है वह रास्ते में है, वह रास्ते में है। गर्ल के लिए भी हो सकता है, बॉय के लिए भी हो सकता है, ये आप अपने आप देख लेना कि किसके लिए आपने लिखना है। जल्दी से जल्दी सेंटेंस की इंग्लिश बनाइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और ताकि कल की वीडियो में मैं आप लोगों का नाम ले सकूं, जो पहले लिखेगा उसका नाम जो मैं पहले बोलूंगी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, मतलब कल ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।